अकीदतना अक़दतनाफी जीारतबूर से लेकर आसानी अहसना व अनजफ़ा तक आज के दस में जो नुक़ात बयान किए जाएंगे वो ये हैं नंबर एक कब्रों की जीारत के बारे में हमारा अकीदा क्या है कि हम उन कबूर के की जीारत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हमारा अकीदा जो कि आई माम के, के हादीस की रूह से है क्या है नंबर दो आई मीबूर की, की जीारत के फ़वाद क्या उनसे हैं हमारी इनफरादी और इजतमाई ज़िंदगी पर नंबर पर तीन जीारत कबूर के आदाब में से कुछ को बयान किया जाएगा बाकी को आइंदा दर्स में बयान किया जाएगा आइए इबादत को देखते हैं असाल सो अकीद कबूर है फसल रबे में से चौथा अमर तीसरा अम्र है कि हमारा अकीदा कबूर कब्र की जमायत तो लाब कराम अजीज़ कबूर की ज्यारत के बारे में यानी जीारत यानी हजूर जयर इंदल मजूर या इंद कब्रल मजूर भी कहा गया है यानी ज्यारत करने वाला वहाँ मौजूद हो जहाँ पे मजूर यानी जिसकी ज्यारत की जा रही है कब्र की वहाँ पे हो वमिम्मा इमताजत इमामियतुल इमामियतनायत ब जारतलकबूर कबून नबी वाल्मलात वसलाम और उन बातों में से एक बात जिन बातों के जरिए से शिया इमाम अशरिया इनायत परवरदिगार लुफ़ परवरदगार की वजह से जुदा होते हैं दूसरे लोगों से वो ये है कि कबूर की ज्यारत है कबूर की बेजकबू ज्यारतुलकबूर है वो लुफ है हुआ हैशियों पर कबूर की ज्यारत के कायल हैं वो भी कबूर नबी नबी अक्रम अम्बिया की कबूर और आईम व तशीद हा हा की जमीर कबूर की जानी जानवारी है और इन कबरों को बनाते हैं विकामत अमारात जख्मत अले बनाते हैं और कीमती और महकम इमारत इनके ऊपर कायम करते हैं वाले अजल हा इसी वजह से बिकुल व रखीजन अन ईमान व तीब नफ़िन कबरों के बारे में कबरों को वो मुजैन करते हैं हर बड़ी से बड़ी कीमत के जरिए से और हर मुख्तसर से मुख्तसर कीमत के जरिए से अपने ईमान के बल पर और अपने पाकिजिए नफ्स के बिना पर वह मरद कुल्ल जाले कुल्ले जाले के इला वसायल आयम ये तमाम चीज़ों की बात गश्त यानी कबूर की जियारत कबूर के ऊपर इमारतें बनाना ये सब की बात गश्त है आइम के वसायतों की जानब के उन्होंने वसीयतें फरमाई हैं वह हसम शी आता हम अल्लाह जियारत है और उनके आयमा ने हिसम की जमी आयमा की जान शी आता हम की भी आया आयम सामने ने रगबत दिलाई अपने शी को कबूर की ज्यारत के बारे में तरगीब हम फ ने अपने शयों को रगबत दिलाई है उस चीज़ के बारे में जो कबूर के लिए है वो एक बेहतरीन है खुदा के नजदीक बेतबारत व इबादात वाजबत इस लिहाज से कि ये ज्यारत कबूर वाजबा वाजिब इबादात के बाद बेहतरीन और अफजल तरीन रतबा रखती हैं इबादत का औरबतें का मवा और इस ये येबरें खैर की मकामात हैं सजावत दुआ दुआ दौा की कबूलियत के मकाम हैं वल त

उसके अपने मुहबों और शी के गर्दन में एक अहदो पैमान वादा है व अन तमाम वफा वह व अन नमाम वफा बिलादे वसन जियारत कबूर अहम उनके वादे की मुकम्मल वफा और अदायगी इससे होगी बेहतर तरीके से होगी कि उनकी कबूर की ज्यारत की जाए फमनजार हम रगबतन फी जियारत बस जो भी आदमी जो भी शिया, जो भी मुहबेहल बेतम जियारत करे आइमा की कबूर की उनकी रगबत करते हो उनकी जियारत के बारे में व तस्दीकन और तस्दीक करते हुए बीमार गबूफी है उस चीज़ के बारे में जिसकी जानब वो रगबत रखते हैं कौन आईमत शफा अहम यौमल क्यामत है तो ऐसे फर्द के लिए ऐसे अफराद के लिए उनके आइमां क्यामत के दिन खुदा की बारगाह में शफात करेंगे और फिर जियारतकबूर अब यहां से तुला तलाब करमी बयान किया जा रहा है किबूर आइम वाल सलामाम कबूर अम्बिया कराम कबूर अयोलिया के, के फवाद कौन से हैं फिर जियारतकबूर मिनवाद दीनीत वजतमाहीतूर आयमा की जियारत करने में दीनी फायदे भी हैं इज्तमी फायदे भी हैं मातस्तिकनायत मिन आयमत ना कि जिसके बारे में लुत्फ का हक रखता है हमारे आयमा की जानब से फिनफिल वक्त ये कबूर इस वक्त तजी दो यानी ज्यादा तो कबूर इस वक्त बढ़ाती मोहब्बत बैन अल आईमत वालिया एक फायदा यह है कि महब्बों के, के दरमियान और आईम्सम के दरमियान में विलाई रवती र मजबूत होता है कब्र की ज्यारत करने के जरिए से व तु दो फिर से जिक्र माशरह और इंसान के नफूस में जिंदा हो जाती हैं उनके आसार की याद हम उनके अखलाकयात व जहादों फिर सभी हक और खुदा आ, हक के रास्ते में जहाद करना जिंदा हो जाता है चूँकि वो भी जहाद करके खुदा की राह में इस दुनिया से चले गए जिनकी कब्र की ज्यारत करने के लिए हम जाते हैं तजमफी मवास में अश्तातमसलमिनमतफरकिन अलासदिन वाहिदिन मौसम हज में बहुत सारे मुतफ़रक मुल्की हवाले से जबानी हवाले से रंग नस्ल के हवाले से मुख्तल लोग मुसलमान जुदा जुदा फिरके के लिहाज से जमा होते हैं एक ही तर्ज पर यानी खाने काबा के इर्दगिर्द खानबा की, की ज्यादत करने के लिए लेता रफो यता लफो ताकि एक दूसरे के साथ उनका तारफ हो जाए पहचान पहचान हो जाए और उल्फत मोहब्बत करें सुम तत्वी कुलूब रूहन याद लल इनकियाद ही व तावाम ही उसके बाद इन ज्यारत करने वालों के दिलों में ये रूह उजागर होती है रूह जिंदा होती है कि खुदा के सामने तस्लीम होया जाए और मखलूक़ात से मुनते इनकता किया जाए और खुदा के अवामिर की इताद की जाए व तलक तोल्क् ने इबारत ज्यारत बलीगत इल्वारद तो और आल वेतल साम हकीकतल तोहीद हकीकत तोलक के नाम का फाइल और शियों को मानने वालों को समझाती हैं समझ में आती है उन जारा उन जारात के इबारात के मफुम में जो जारात आई है आय मलिम सलाम की जानिब से समझाती हैं कि हकीकत तोहीद वल इतराफ और बेकुद सियत इल्लिसलाम विहर सलात इल्लु मुहम्म समझा रही है तलकिन हो रही है कि एतराफ़ करें इस्लाम की पाकिजगी के बारे में तकदस के बारे में नबी करम सल रसालत के बारे में मिनल यजमसल खुल्ल आल रसीन और वह चीज समझ में आती है दुआ और जारात के मजामी से जो वाजिब है मुसलमान पर कि वह बेहतरीन और मजबूत अखलाक का मालिक बने बलूला कायनात है और कायनत चलाने वाले के सामने खुशबू खुशू करे वह शुक्र आलामी और कायना के चलाने वाले मुदबिर नदा नعم, करे तक बे नजीफत मासूरतकदम अलह ये इस लिहाज से नफ्स को मिलता है वो उन दुआओं का वजीफा जो मनकूल हुई है आयम के जिनके बारे में गुजशत गुफ्तु हो चुकी है बल बाजवा बल्कि बुलंद तरीन और बली तरीन दुआओं पर मुश्तम है कजैर तमिन जैसा जमीन जैर तमी बलिक तरीन दुआओं में से एक दुआ है जारतना है आयम वही हज़ारतम्ला ज़ारतमवन इमाम आबिदीन ज़ैनलाआबद्दीसम ये वो जियारतलराम अजीज़ जो इमाम ज़ैन अबिदीन से मरवी शुदा है आ, ही नमा जब ज़ार क़ब्र जद्द ही अमीर से जब अपने दादा अलीसम की कब्र की जीारत करने जाते थे तो ये ज्यारत पढ़ते थे और हमें तालीम दी गई है कमा तोफ हिम हाद जियारतमासुरत मवाकफल आइमतियातम भी सबील नुसरत वलमत दीन है जिस तरीके से ये सलाम की मनकुल शुदा जियारात हमें है। समझाती हैं सलाम का मौकफ क्या है उनकी कुर्बानियां समझाती हैं कि उन्होंने हक की नुसरत करते हुए उस रास्ते में कुर्बानी दी और कलम दीन की बुलंदी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी लेता व ताला और उन्हें अपने को खालिस बना दिया था ये खुदा की इताज के लिए ये ज्यारत के मफाहम मज़ामीन हैं वद वरदत अरबियन ज़ज़ीलिन और ये ज्यारत आई हैं बेहतरीन अरबी के रविस के साथ व फसात अलियतन और बेहतरीन बुलंद फसाद के साथ व इबारत सतमद ज्यारात के इबारतें इतनी आसान है कि हर आम खास समझ सकता है वह यह महतवियतम तोहद व ताक़ाए ही और ये अपने अंदर रखती हैं बुलंद तरीन की मानों को और दकीक तरीन तोहद की माना को दुआ दुआ को रखती है मे इबिहा और खुदा की जानब रगबत को अंदर रखती हैं कि यानी ज्यारत करने के ज़रिए से जियारत नामे के ज़रिए से खुदा की तरफ जाने में रगबत होती है ये जियारत आइम जियारत नाम करीम ये ज्यारत नामे उन बेहतरीन अला तरीन दीनी आदाब में से हैं जो कुरान करीम नहजुलबलागा और आईम सलाम से मनकुल दुआओं के बाद रुतबे में हैं यानी सैफ सज्जादिया की दुआओं के बाद इनका बहुत बड़ा रुतबा है इस खुलासत आईमत फीम को बेहद व तहजीबियत चूंकि इनमें बयान किया गया है आईम के मारफ का खुलासा उन मकाम में जहाँ पे ताल्लुक रखते हैं इन दीनी के इनके दीनी मराहल मरातब के साथ और तहजीबी मराह मरातब के साथ फिर तो यहां से शुरू किया जा रहा है कि अगर किसी भी इमाम की किसी भी अलिया की जियारत करने के लिए कोई आदमी जा रहा है तो उसके क्या है? आदाब क्या हैं फरमाते हैं कि सुम आदाब में तालीम व वल है जीत के आदाब में नीज जो यह है कि तालीम दी जाए तालीम हासिल करना रहनमाई है माँ ऐसी चीजों की तालीम यु अक्के दुम तहकी के तिलकल मान दीनीतें जो ताकीद करती हैं कि साबित हों महक हों ये मानिय असामिया जो बुलंदरीन है वो ये हैं महव मुस्लिम है कि मुसलमान के अंदर रूहानियत बुलंद हो बढ़े व तनवियत रूहआफ अलफकीर और फकीर व मसाकिनों और खुद से पस्त लोगों पर रहमो करम का जज्बा बढ़े वह अलासन सीरत व सलूक और ताकि ये मुसलमान वादार हो अच्छे माशरत के ऊपर व तहब्बिला से तमाम लोगों के साथ व मोहब्बत के साथ पेश आने पर फ्न मिल आदाबिहाबूर ज्याारत कबूर के आदाब में से माँ कुछ वह कबल बदबिदूल फिर मरकद व ज्याारत ही कुछ ऐसे आदाब हैं जो अंजाम देने चाहिए अंजाम दे ज्याजायर रोजे मुबारक में मरकज मतहर में यानी कब्र के अहाते में दाखिल होने से काबल और ज्यारत के वक्त वमिन वा कुछ ऐसे है माबगी ज्यारत है कुछ आदाब का ख्याल करे वह भीमा ज्यारत है और कुछ ऐसे आदम जो जियारत के बाद लिहाज करे व नहन हम यहाँ पे नारा दहल आदाब बाज इन इनमें से कुछ आदब को जिक्र करते हैं ले तम भी है अला मका दहलती कुल नाह आगा हो सके उन जियारत के मकासद तक जिनके बारे में हम जिक्र करके आए कहकर आए अव्वलो ज्यारत कबूर में के से पहला अदब यह कि मेन आदाब यहा जियारत कबूर के आदाब में से पहला जर व्यारत जर यानी जियारत करने वाला जियारत में शुरू होने से कबल गुसल करे और पाको पाकि हो जाए मुसहबी गोसल पाको फायदा और फायदा तो जाले क्या है इसके गुसल का फायदा फी मा नफा मुंह जहां तक हम समझते हैं वाजह है तुम तो वाजह तो सी बात है वही है और ये फायदा यह है इंसान इंसान अपना बदन पाको पाकिजा बना लेता है गंदगी से मैल से ले यकी है मिनल अमराज अदवाए ताकि इंसान बच सके बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारे अमराज से एक फायदा वाले दूसरा फायदा वाले अल्लाह तो अफ अफ मिन रवाही अन्नास हो और ताकि गुस्ल इसलिए करे ताकि इसकी बदबू से दूसरे लोगों को तकलीफ ना पहुँचे वहाँ यूता हेरा नफ्स हो मेरा रजायल है और अपने नफ्स को भी ये तो ज़ाहरी बदन के लिहाज से था लिबास के लिहाज से था और ये दूसरा यह है मकसद फायदा ये है कि अपने नफ्स को ज़मीर को बातिन को दिल को रज़ाइल खबाइश और बुरी चीज़ों से पाकिजा बनाए मासूरे मनकूल अनिल आयमत दुआ में आया है कियद और इंतहा ज्यारत करने वाला शख्स जब गोसल खत्म कर ले तो दुआ मांगे किसके लिए गर्द तंबी ही अला तिलकल अहदाफिल ताकि पहुंच सके आगाही दी जा सके उन बुलंद तरीन अहदाफ के लिए जिसके लिए ज्यारत की जा रही है फयाकूल यूं कहे नूरन मेरे अल्लाह मेरे लिए करार दे नूर व पाकिजिए वर्जन काफी बेहतरीन हिरज मिन कुल्ले दायन हिफाजत अमान हर बीमारी से वीमारी आफत व आहत हर मुसीबतों परेशानी से व तहिर भी कल भी इस गुसल के जरिए मेरा दिल पाकिजा बना व जवार ही मेरे आज़ा जवार वज़ाम मेरे हड्डियाँ पाक बना व लहमी मेरा गोश्त पाकना दमी मेरा खून पाक बना व शा मेरे बाल पाक बना व बशर मेरी खाल पा, पाक बना व मुख ही वजमी मेरी यानी रग रग में पाक बना माँ मिन्नी और जहां तक मैं जमीन पर हूं उस मेरे उस खड़े होने को पाक बना वी शाहिदी व फाकती ए मेरे अल्लाह तो करार दे मेरे लिए इसको मेरे गुसल करें को गवाह उस दिन के लिए जब मैं मोहताज हूंगा जब जिस दिन मैं फकीर बनूंगा जिस दिन में मोहताज हूंगा वो है क्या का दिन अजीज तो आज का दस इखता पहुंचा अगर हम सवाल की सूरत में देना चाहें तो यह है सवाल नंबर एक कि ज्यारत कबूर के बारे में शिया इमाम शरी का अकीदा क्या है नंबर दो ज्यारत कबूर के फवाद कौन से हैं नंबर तीन सवाल ये बनेगा कि ज्यारत कबूर में से जो पहला पहला अदब बयान किया गया है उस अदब को के साथ बयान करे वालकम वरह वक्त